हेलो एवरीवन, कैसे? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो भाई अभी जो देश में क्या पूरे विश्व में कोरोना की वजह से जो शटडाउन लॉकडाउन चल रहा है ना यार, बहुत कंडीशन ख़राब है। तो यार इसके बावजूद जो है कुछ लोग नहीं समझ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से जो है शटडाउन लॉकडाउन का आदेश दिया उसके बाद में काफ़ी कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, नहीं निकल रहे बाहर। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग हैं जो उनको समझ में नहीं आ रहा, वो आज भी जो है लोग भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। तो भाई ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि भाई अगर वो बाहर जा रहे हैं ना, तो वो खुद को तो खतरे में डाल ही रहे हैं, खुद के साथ साथ अपने परिवार को, सोसाइटी को, पूरे देश को खतरे में डाल रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, अगर यार कोई पर्सन कोरोना वायरस जो है इसमें संक्रमित होकर आता है घर पर, तो वो 3 से 4 दिन तो पूरे परिवार को नहीं पता चलेगा भाई ऐसे कुछ उसकी बीमारी, खुद को भी नहीं पता चलेगा कि भाई ऐसी कुछ बीमारी लगी है। क्योंकि सर्दी, ये जुकाम, खांसी या कुछ जो सांस लेने की तकलीफ जो स्टार्टिंग होती है वो 3 से 4 दिन बाद में होती है, और जब तक उसको पता चलता है ना भाई बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि ऐसे केस में क्या है, बहुत ज़्यादा ये घर में या परिवार में रिलेटिव से उससे भी मिलेगा ना, उन सबको ही लगने का चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यार मतलब ये सिस्टम ये है कि अगर आप गलती कर रहे हो ना, लापरवाही कर रहे हो, ज़बरदस्ती बाहर घूम रहे हो, भटक रहे हो और मास्क वगैरह यूज में नहीं ले रहे हो, हाथ सैनिटाइज नहीं कर रहे हो, तो भाई बहुत बड़ी गलती है आपकी। क्योंकि ये वायरस ही कुछ ऐसा है यार, आपको बाहर के देशों की कंडीशन देखनी चाहिए कैसी क्या कंडीशन हो रखी है वहाँ पर। अभी हम बात करें इटली की, तो यार इटली में अभी करीब करीब 10 से 11 हज़ार लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, और स्पेन की बात करें वहाँ भी 5 से 6 हज़ार लोग मारे जा चुके हैं, और अमेरिका जैसे देश में 1 लाख लोग संक्रमित है। यार आपको खुद को समझना चाहिए कि मतलब ये महामारी एक तरह से बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है। तो अपनी गवर्नमेंट जो है, प्रशासन ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया हुआ है, उसको फॉलो करो। इसके बावजूद जो है कुछ लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए भाई पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। मैं बिल्कुल फेवर में हूँ ऐसे लोगों के, क्या जूत पड़ने चाहिए ऐसे टाइम पर। यार मतलब उनको समझा रहे हैं फिर भी वो बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं। तो भाई आपको एक चीज़ बोलूँगा, घर से बाहर ना निकलें। आपको राशन वगैरह लेना आपके नज़दीक में जो दुकान है वहाँ से जाके आप ले सकते हो। दूध वगैरह आपको घर पर सप्लाई हो रहा है ठीक है, नहीं तो पास में काफ़ी सारी दुकानें, तो बेवजह इधर उधर ना घूमें, आपके लिए आपके परिवार के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा।